तुम जानते हो देवी संज्ञा मेरा ताप सहन ना कर पाने के कारण मुझसे रूठ कर मुझसे दूर चली गई थी। उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही तो मैंने सूर्य लोक में विशेष फूलों की उत्पत्ति की थी। अब हर दिन मेरे प्रेम के प्रतीक के रूप में देवी संज्ञा के लिए एक पुष्प खिलता है, इसलिए उस पर उन्हीं का अधिकार है। तुम सूर्य पुष्प को पृथ्वी पर ले जा सकते हो, पर केवल तभी जब देवी संज्ञा तुम्हें स्वयं वो पुष्प दे। उनसे वो पुष्प लेना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा गुरु, पर यदि तुम अपनी बुद्धि का उचित प्रयोग करोगे तो उपाय अवश्य मिलेगा। परंतु और हाँ, एक उपहार मैं भी तुम्हें दूंगा। अपना दाहिना हाथ आगे करो गरुड़। ये बहुत ही विशेष शहद है गरु, इसे खा लो, भूख तो मिटेगी ही बुद्धि भी चलेगी। और हां, इस पात्र को सदैव अपने साथ रखना, यह अक्षय पात्र है, इसके भीतर का शहद कभी घटेगा नहीं। देव तो शहद की तरह मीठी मीठी बातें करके चले गए, परंतु मेरी समस्या तो वैसी की वैसी ही है, क्योंकि जब तक मैं देवी संज्ञा को मना नहीं लेता मुझे सूर्य पुष्प नहीं मिलेगा, और जब तक सूर्य पुष्प नहीं मिलता मैं अपनी मां के पास लौट नहीं पाऊंगा। ये क्या हुआ और ये दुर्गंध कैसी है? त्वचा के जलने की दुर्गंध है कालिया। ये सब क्या हो गया? उठो, आंखें खोलो सब, ये सब कैसे हो गया? कद्रु दीदी को पता चलेगा तो? कितने दिन बीत गए इसे बचाए हुए, जब मेरे पुत्र वापस आ जाएंगे मेरे पास तब जी भर के बचाऊंगी इसे। कितनी धूल मिट्टी जमा हो गई है इस पे। मांस चलने की गंध कहां से आ रही है? विंता, 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 कोई उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? कहां गए सब? कहाँ गए साहब?
ना कोई प्रहरी है, ना कोई सेवक, ना कोई सेविका, और तो और मेरे पुत्र भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहाँ है ये सब? ये वायु, सियारों का स्वर, वो रो क्यों रहे हैं? हाँ मर गई थी तुम दोनों, और ये क्या हो रहा है? मेरे पुत्र इतने दिन बाद मेरे पास वापस आ रहे हैं और तुम दोनों अपशगुन फैला रही हो। क्या हुआ आपको? माँ 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 उठिए माँ, क्या हुआ आपको? माँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रतिदिन केवल एक ही सूर्य पुष्प खिलता है और वो संज्ञा माँ को बहुत प्रिय भी है, तो फिर वो मुझे सूर्य पुष्प क्यों देंगी भला? कैसे मना उन्हें? ये भूख इतनी तीव्र लग रही है कि बिना कुछ खाए मस्तिष्क कार्य ही नहीं करेगा, पर खाऊं किसे? नहीं नहीं, सूर्यलोक में मांसाहार उचित नहीं होगा, पर खाऊं तो क्या खाऊं? ये बहुत ही विशेष शहद है गरुड़, इसे खा लो, भूख तो मिटेगी ही, बुद्धि भी चलेगी। ये उत्तम रहेगा। कितना अद्भुत है ये सूर्यदेव का उपहार। नन्हे खरगोश, ये लो गाजर खा लो, लो ना खा लो। कितना चंचल है तू, कहाँ भाग रहा था? मुझसे छुपन छुपाई खेलेगा, बदमाश कहीं का। देवी संज्ञा तो बालिका की तरह खेल रही है, इसका अर्थ ये है कि इन्हें छोटे बच्चे प्रिय हैं। पक्षी राज, हम सब तुम्हें आज अरिमा और महिमा का वरदान देना चाहते हैं। महिमा वह सिद्धि है जिससे तुम अपनी कद काठी
जितनी चाहो बढ़ा या घटा सकते हो। सूर्य देव का यह उपहार अद्भुत है। शहद खाते ही बुद्धि तीव्र हो जाए, समस्या कोई भी हो उपाय अपने आप मिल जाए। माता संज्ञा से सूर्य पुष्प लेने के लिए मुझे उनके समक्ष बाल रूप में जाना चाहिए। माँ? हाँ? किसने पुकारा मुझे? माँ? कौन है यहाँ पर? शीघ्र मुझे बताओ। ये तो कोई छोटा पक्षी है। अरे कहाँ जा रहा है, रुक ना, कितना भगाएगा, अब रुक भी जा। कहाँ लुप्त हो गया, अभी तो यही था। अब लगा है तू मेरे हाथ, तू इतना चंचल है फिर भी इतना सुंदर और सलोना है। प्रणाम भाभी माँ। अभी तो थोड़ी देर पहले मुझे माँ कह के पुकार रहा था, अब भाभी माँ बना दिया। अब सूर्यदेव की पत्नी है इसलिए मेरी भाभी हुई, और आयु में मेरी माँ की सम्मान है इसलिए मेरी माँ हुई, तो मैं तो भाभी माँ ही कहूँगा ना। कौन है रे तू, क्या नाम है तेरा? मैं महर्षि कश्यप और विंदा नंदन गरुड़ हूँ भाभी माँ। अरुण का भाई गरुड़, इतना बड़ा हो गया तू। यदि मैं इन्हें इस रूप में बड़ा लग रहा हूँ तो अपने असली रूप में कैसा लगूंगा? अरे हंस क्यों रहा है तू? आप भी कितनी भोली है भाभी माँ, अभी मैं कहाँ बड़ा हुआ हूँ, अभी तो मैं एक नन्ना सा प्यारा सा बालक हूँ। सही कहा तूने। अच्छा ये बता तेरी माँ कहाँ है? वो तो कुटिया में है। पृथ्वी पर? तू यहाँ कैसे आया? उड़कर। भूलोक से सूर्यलोक तक तू उड़कर आया, और थका भी नहीं बल्कि मुझे दौड़ा दौड़ा कर थका दिया। इतनी शक्ति कैसे है तेरे भीतर? मैं प्रतिदिन भोर में उठकर 108 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ इसीलिए। सच में? करके दिखाऊं? बस बस समझ गई कि तू बहुत शक्तिशाली है, पर शक्ति केवल व्यायाम से नहीं मिलती, उसके लिए अच्छा भोजन भी करना होता है। और तुझे देख कर लगता है कि तेरे इस छोटे से पेट को बहुत सारे भोजन की आवश्यकता है। चल तुझे कुछ खाने को देती हूँ। नहीं भाभी माँ, आपको कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाभी माँ कहा है ना तूने, तो चुपचाप भाभी माँ के आदेश का तो पालन करना होगा, और अच्छे बच्चे हट नहीं किया करते, समझा? चल अब मेरे साथ। विमाता कद्रू की इच्छा पूरी करने के लिए तो कितना कुछ कर रहा है, पर तुझे आभास भी नहीं है कि कितनी बड़ी दुर्घटना घट गई है।
और भूलोक पर कितना बड़ा बवंडर तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। माँ, दीदी, माँ, माँ आगे खोलिए, माँ, माँ, माँ आगे खोलिए, माँ, माँ आगे खोलिए, क्या हुआ माँ आपको? पुत्र, मेरे पुत्र, हम तक्षक कालिया, तुम्हें पता है मैंने बहुत भयानक स्वप्न देखा। विष्णु लोक की यात्रा के समय सूर्य देव और गरुड़ की भेंटावशी हुई थी, किंतु उसने सूर्य लोक में प्रवेश नहीं किया था, किंतु अब तुम्हारे आदेश के कारण उसे सूर्य लोक के भीतर प्रवेश करना होगा, और तब होगा उसे सूर्य के असहनीय तेज और विकराल ताप का अनुभव, उसके पंख जल जाएंगे, मृत्यु नहीं भी हुई तो भी तड़प तड़प कर वो पृथ्वी पर गिर जाएगा। मेरे हंसने से आपको रोना आ रहा है महारानी? हर कथा के दो अंक होते हैं, हमारी कहानी के भी हैं। पहले अंक में मेरी आंखों से आंसुओं की बाढ़ आई थी, मेरे पुत्रों के तन पर घाव हुए थे, अब दूसरे अंक में वही कथा फिर से दोहराई जाएगी, केवल पात्र बदल गए हैं। इस बार आंसू आपकी आंखों से बह रहे हैं, आपके पुत्र सह रहे हैं वही कष्ट, वो तड़प रहे हैं, तिल मिला रहे हैं, पर ना उन्हें इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, ना आपको इस दुख से।
जिन कुटिल चालों का प्रयोग करके आपने मेरे पुत्रों को मृत्यु के मुख में डाला था, आज उन्हीं कुटिल चालों ने आपके पुत्रों को यमलोक के द्वार पर खड़ा कर दिया। मेरे पुत्र के पग जलाना चाहती थी ना, देखिए आपके पुत्र स्वयं जल गए हैं। समय बड़ा बलवान है दीदी, अब तक आपके पाले में था, पर अब मेरे पक्ष में है।